माँ तेरी रहमत की सीमा दूर है मेरे बयानों से, माँ माँ तेरी रहमत की सीमा दूर है मेरे बयानों से, अदाना हो सकेगी ये जमाने की जुबाओं से, मेरी मांगों से बढ़कर दे दिया तूने मुझको, मेरी मेरी मांगों से बढ़कर दे दिया तूने मुझको, लेकिन उम्मीद और भी रखता हूँ माँ तेरे खजाने से, लेकिन उम्मीद और भी रखता हूँ माँ तेरे खजाने से। विद्या की देवी माँ शारदा के चरणों में वंदन करते हुए आप सबका हमारे ऐप पॉलिटिकल एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ कि जिस लक्ष्य जिस साध्य को लेकर आप लोग चल रहे हैं उस लक्ष्य की आप लोगों को प्राप्ति हो, और उस लक्ष्य की प्राप्ति कब होगी, जब आप दृढ़ संकल्प लेकर इतने मजबूत इरादे रखेंगे इन पंक्तियों से प्रेरित होते हुए कि ठोकरें खाता हूँ परेशान से चलता हूँ, ठोकरें ठोकरें खाता हूँ परेशान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ, मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, मुश्किलें मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा पर आखिर में जीतूंगा मैं, ये ठान के चलता हूँ, पर आखिर में जीतूंगा मैं ये ठान के चलता हूँ। इतना दृढ़ संकल्प लेंगे तो जीत आप लोगों की अवश्य होगी। आज के इस वीडियो में हम एक नई मुहिम एक नए प्रयासों की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आपके विश्वास और आपके सहयोग से ये मुहिम हम लोग प्रारंभ कर पा रहे हैं। आइए, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम कोर्स परिचय का वीडियो बना रहे हैं, और वो कोर्स परिचय का वीडियो भी स्कूल व्याख्याता 2023 और या मैं 2024 लिख देता हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती है वो आने वाली है, और हम मान के चल रहे हैं कि चुनावी वर्ष होने के कारण 2-3 महीने में इसकी विज्ञप्ति आ सकती है, और उसके बाद में अगले वर्ष एग्जाम होने की अधिकतम संभावना रहती है। खैर, ये सब बातें तो भविष्य की गर्त में छुपी हुई है, लेकिन एक गंभीर विद्यार्थी को अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की अभ्यर्थियों की मित्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम राजनीति विज्ञान का कोर्स हम 21 अप्रैल से प्रारंभ करने वाले हैं। इस कोर्स की क्या विशेषताएं रहेगी, आप हमसे क्यों जुड़े, इन सब के संदर्भ में आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। अगले 10-12 मिनट में आप इसे जरूर जुड़े रहें। चलिए, सबसे पहले बात यह है कि यह जो कोर्स हमारे ऐप में उपलब्ध रहेगा, इस कोर्स में क्या मिलेगा आप लोगों को, तो स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान की कक्षाएं रहेगी, जिसमें द्वितीय प्रश्न पत्र और प्रथम प्रश्न पत्र दोनों की, द्वितीय प्रश्न पत्र में जो आप लोगों के 130 प्रश्न आते हैं सब्जेक्ट से संबंधित, वो 130 प्रश्न, और आप जानते हैं कि फर्स्ट पेपर में 5 प्रश्न राजनीति विज्ञान हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान और राजव्यवस्था से संबंधित आते हैं, तो टोटली 2 नंबर का एक प्रश्न है, तो 270 अंक का जो है पाठ्यक्रम हम आप लोगों को इसमें करवाएंगे। यह एक कोर्स है पूरा का पूरा। चलिए, इस कोर्स के लिए सबसे पहले आपको, आपने यदि हमारा पॉलिटिकल एकेडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रखा है तो ठीक है, अन्यथा प्ले स्टोर से पॉलिटिकल एकेडमी मोबाइल ऐप को आप लोग अवश्य डाउनलोड करें। पॉलिटी विद क्यूरियोसिटी, हम जिज्ञासा के साथ राजनीति की बात करेंगे, जटिलता से सरलता से जटिलता की तरफ बढ़ते हुए जटिल तथ्यों को सरल बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का हम वार्षिक प्रयास करेंगे। ये जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है हमारे ऐप का लोगो है, तो यदि आपने डाउनलोड कर रखा है तो ठीक है, अन्यथा आप इसे अवश्य डाउनलोड करें। स्कूल व्याख्याता के जब कोर्स को आप ओपन करोगे तो उसमें आपको 6 डेमो कक्षाएं मिलेगी, हम धीरे धीरे और भी इसमें डेमो कक्षाएं रख लेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाश्चात्य विचारक और भारतीय विचारक, यानी विचारक के बाद में राजनीतिक सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, भारतीय राजव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये सब राजनीति विज्ञान के अलग अलग भाग हैं। हमने प्रत्येक भाग का एक एक डेमो कक्षा आप लोगों के सामने रखी है। आप लोग प्लेटो पार्ट 1 है, हालांकि प्लेटो की बहुत सी कक्षाएं रहेगी, प्लेटो का डेमो की कक्षा आप लोग देखें, संप्रभुता की जो कक्षा है उसको आप देखें, आशियान की कक्षा को आप देखें, आशियान के बाद में संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की कक्षा आप लोग देखें, और सबसे बड़ी विशेषता है कि NCERT कक्षा 12 के एक एक अंक के जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उसकी भी कक्षा हमने दे रखी है, और इसके अलावा एक और उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान और राजव्यवस्था के टॉपिक को डेमो कक्षा के रूप में आपको 6 डेमो कक्षाएं हमारे ऐप में मिलेगी। इन डेमो कक्षाओं को देखने के बाद आप लोग यदि विचार कर रहे हैं कि आपको हमसे जुड़ना चाहिए, लेकिन मैं खुद एक सोचता हूं कि हम किसी से जुड़े तो क्यों जुड़े, उसके पीछे कारण क्या है,
तो मैं उन कारणों को लेकर आया हूं कि आप हमसे क्यों जुड़े, आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। और विशेष रूप से ये जो हमारी नई पहल है, ये बड़ी एक अजीब सा मिशन है हमारा, और इसमें आपको वो चीजें मिलेगी जो शायद आप लोगों ने नहीं सोची है। लेकिन मैं इन समस्त बातों पर प्रत्यक्ष शब्द टू शब्द खरा उतरने की हम भरसक कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। क्या है नई बातें, जरा एक एक पॉइंट को आप लोग ठीक से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले राजनीति विज्ञान विषय में प्रश्नों की जो प्रकृति बदल रही है, ये एकदम लेटेस्ट बैच है, लेटेस्ट कोर्स है, और प्रश्नों की बदलती प्रकृति के अनुसार इन कक्षाओं को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 4-5 वर्षों में, चाहे फर्स्ट ग्रेड चाहे कॉलेज लेक्चर, कोई भी एग्जाम आप लोगों ने देखा या सामान्य कोई दूसरे विषय के भी पेपर आपने देखे, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था और सब्जेक्ट के पेपर में पॉलिटिकल साइंस के जो प्रश्नों की प्रकृति है, जिसमें तथ्य अधिक पूछे जा रहे हैं और भी गंभीर प्रश्न आ रहे हैं और पेपर का लेवल बहुत हाई हो चुका है, उस पेपर को ध्यान में रखते हुए कक्षाएं आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। दूसरा, सबसे बड़ी जो विशेषता है कि इस कोर्स की वैलिडिटी कम से कम 1 वर्ष है, और अधिकतम जब तक आप पहला एग्जाम नहीं देते हैं पॉलिटिकल साइंस का, तब तक आप लोगों के इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। आप कहोगे कैसे, जैसे 2023 में 21 अप्रैल से क्लास शुरू है और आप यदि हमारा कोर्स लेते हैं और यदि एग्जाम 15 महीने बाद होते हैं, मान लीजिए, तो आपके कोर्स की वैलिडिटी 16 महीने रहेगी। एग्जाम यदि 18 महीने बाद होते हैं तो आपके कोर्स की वैलिडिटी 19 महीने रहेगी। एग्जाम यदि 2 साल बाद होते हैं तो आपके कोर्स की वैलिडिटी 2 साल से अधिक रहेगी। न्यूनतम 1 साल तो ही है, अधिकतम, मेरे कहने का मतलब है कि जिस ध्येय, जिस उद्देश्य से आप हमारा कोर्स ले रहे हैं, वो उद्देश्य आपका जब तक पूरा नहीं होगा तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। उद्देश्य का मतलब पहला एग्जाम जो फर्स्ट ग्रेड का है, न्यूनतम 1 वर्ष, अधिकतम पहला एग्जाम आप फाइट करेंगे। जैसे एक ऐसा विद्यार्थी जो अभी एमए कर रहा है और वो जिज्ञासा रखता है कि एमए होने के बाद मैं बीएड करूंगा या बीए होने के बाद बीएड करूंगा और उसके बाद मैं फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दूंगा, तो उस अवधि में उसको 3 साल का भी यदि समय लगता है तो हमारे कोर्स की वैलिडिटी उसके लिए 3 साल भी रखी जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, न्यूनतम इसकी वैलिडिटी 1 वर्ष है। 1 वर्ष में यदि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हो जाते हैं कंप्लीट, जो 2024-23 की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी वैलिडिटी 1 वर्ष ही रहेगी। तीसरी बात, रिकॉर्डेड क्लास है, क्लासरूम रिकॉर्डेड कक्षा नहीं है, पूरी की पूरी कक्षाएं आपको ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड की जा रही है, जिसमें पूरा ध्यान आप लोगों पर रहेगा। आप लोगों की जिज्ञासा के अनुसार, आप लोगों की आवश्यकता के अनुसार इन कक्षाओं को रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। कभी कभार आवश्यकता महसूस होने पर लाइव कक्षा भी ली जाएगी। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, वो प्रत्यक्ष आपसे जुड़कर अध्ययन करवाया जाएगा और शंका समाधान किया जाएगा। प्रत्यक्ष आपसे कैसे जुड़ेंगे, हम किसी भी टॉपिक के बारे में आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो हम आपको एक समय देंगे, उस समय में आप हमें फोन करके, प्रतिदिन 1 घंटे 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, आप कभी भी हमें उस समय अवधि में फोन करके आप अपनी जिज्ञासा का समाधान कर पाएंगे, आप उस बात को समझ पाएंगे किसी प्रकार की दिक्कत होने पर। एक और विशेषता इस बैच की है कि हम सीमित विद्यार्थियों के साथ जुड़कर अध्यापन करेंगे। हम 50 से 100 विद्यार्थियों के साथ जुड़कर अध्ययन करेंगे ताकि प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान दे पाए, उनसे संपर्क कर पाए, वो हमसे संपर्क कर पाए और डायरेक्ट हमसे बातचीत हो सके, और उनकी किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई भी चीज समझ में नहीं आई है या किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सके। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी हम आप लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें कोर्स लेने के बाद आप अपने आप को ऐसा महसूस होगा कि आप ऑफलाइन अध्ययन कर रहे हैं, आप हमसे प्रत्यक्ष तो जुड़ पाएंगे और सतत हम आपका मार्गदर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक टॉपिक पूरा होने के बाद, जैसे हम प्लेटो सबसे पहले पढ़ेंगे, प्लेटो का टॉपिक पूरा होने के बाद प्लेटो से संबंधित 20 से 30% एमसीक्यू आप लोगों को करवाए जाएंगे। प्रत्येक टॉपिक के बाद में, प्लेटो, अरस्तु के बाद में अरस्तु, भारतीय चिंतक पढ़ने के बाद में, संविधान का कोई टॉपिक पढ़ने के बाद में, तुलनात्मक राजनीति IR का टॉपिक पढ़ने के बाद में, प्रत्येक टॉपिक पढ़ने के बाद में, प्रत्येक टॉपिक पूरा होने के बाद में एक वीडियो उस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू प्रश्नों का लाएंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि आप जो पढ़ रहे हैं, हम जो अध्ययन कर रहे हैं, वो सही दिशा में है अथवा नहीं है। ये बहुत बड़ी विशेषता हमारे इस कोर्स की रहेगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। दूसरी बात, केवल कोर्स करवाना ही इसका उद्देश्य नहीं है। ऐसा नहीं कि आप हमारा एक कोर्स ले लेंगे तो 250-300-350 वीडियो में हम आपको पूरा कोर्स रिकॉर्डेड उपलब्ध करवा देंगे और उसके बाद आप जानो और आपका काम जानो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहोगे तो फिर इसमें कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी रिविजन कक्षाएं लगातार रहेगी और ये रिविजन कक्षाएं तब तक रहेगी जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं हो जाते हैं। 2 चीजें और अब मैं आपको महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। जैसे कि पाश्चात्य चिंतक हम पूरा कर लेंगे, प्लेटो टू मार्क्स,
उसके बाद में प्लेटो टू मार्क्स के माना कि 25 से 30 वीडियो में हमारा एक कोर्स हो रहा है, तो इन सारे वीडियो को संक्षिप्त करके 5 वीडियो में इनका आप लोगों को रिवीजन करवाया जाएगा, और एग्जाम से पहले इन 5 वीडियो को एक वीडियो में समेट कर आप लोगों के लिए रिवीजन कक्षाएं लेकर आएंगे। भारतीय संविधान हम कंप्लीट माना कि 70 से 80 कक्षाओं में करते हैं, तो इन 70-80 कक्षाओं के बाद में वापिस 10 वीडियो में इनकी रिविजन कक्षाएं होगी। तो इस प्रकार से पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद में उसकी रिविजन कक्षाएं भी आप लोगों के लिए लगातार रहेगी, और तब तक ये कक्षाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध आती रहेगी जब तक आप लोगों का कोर्स नहीं हो जाता है। आप कहोगे सर इतना कैसे संभव हो पाएगा? इतना इसलिए संभव हो पाएगा क्योंकि हमारा केवल एक ही टारगेट है, स्कूल व्याख्याता 2023-24 की भर्ती। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की न तो कक्षाएं रहेगी न किसी प्रकार का अन्य कोई बैच रहेगा ऐप में, केवल एक ही बैच रहेगा स्कूल व्याख्याता, केवल एक ही टारगेट, एक ही मिशन है, एक ही जो है पूरा का पूरा इसी पर ध्यान है। इसलिए हमारा ध्येय रहेगा कि जो विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं उनको हम सिलेक्शन कैसे दे सकें, उनको हम अधिकतम कैसे दे सकते हैं, उनको किस प्रकार से हम बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं एक एक विद्यार्थी से जुड़कर, वो हमारा मूल उद्देश्य रहेगा। अगस्त माह में संभावित है कि अगस्त माह में इस कोर्स को हम कंप्लीट कर देंगे, और बाय चांस आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि सर यदि जल्दी एग्जाम हो गए तो हम इसको जल्दी भी पूरा करवा देंगे। आप लोग इस बात से निश्चित रहेंगे, प्रतिदिन जो अभी की योजना है प्रतिदिन एक या दो कक्षा आप लोगों को मिलेगी, ताकि जितना हम आप लोगों को दें उतना आप ठीक से उसको पढ़ें, ठीक से उसको तैयारी करते रहें, साथ साथ तैयारी करते रहें। कोर्स लेते ही आपको 200-300 वीडियो नहीं देखने पड़े अभी से यदि इस कोर्स से आप लोग जुड़ते हैं तो। प्रतिदिन आप लोग फोन से संपर्क कर हमसे जिज्ञासा समाधान कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है इस कोर्स की, कि जैसे कि प्रतिदिन आपको 1 से 2 घंटे का समय आप लोगों को बता दिया जाएगा कि इस समय में आप मेरे से फोन करके बात करके, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कोई फैक्ट, कोई तथ्य, कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ, या किसी प्रकार की अन्य हमारे विषय से संबंधित जिज्ञासा है तो उसका आप समाधान कर पाएंगे। हम प्रत्यक्ष आपसे 1 बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार बातचीत करेंगे, और इसका कारण है कि हम सीमित विद्यार्थियों के साथ तैयारी करेंगे। हम 50 से 100 स्टूडेंट इस बैच में लेंगे ताकि एक एक विद्यार्थी पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके। यदि आने वाले समय में मेरे पास में विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक हो जाती थी, ये चीजें संभव नहीं है, लेकिन उस स्थिति में हम नहीं आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि सीमित विद्यार्थी के साथ तैयारी करें ताकि उनका बेहतर रिजल्ट हम उपलब्ध करवा सके। एक और बात कि प्रत्येक भाग में बता चुका हूं कि रिवीजन कक्षा और टेस्ट द्वारा आप लोगों का मूल्यांकन होगा। एक भाग पाश्चात्य थिंकर, भारतीय थिंकर पढ़ने के बाद में हम उनकी संक्षिप्त कक्षाएं लेकर आएंगे, रिवीजन कक्षाएं भी लेकर आएंगे। दूसरी बात एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, पीपीटी के द्वारा आप लोगों को अध्ययन करवाया जाएगा। आप डेमो कक्षाएं देखी होगी तो आप लोगों को पता रहेगा, ताकि कोई भी तथ्य छूटे नहीं, ताकि कोई भी तथ्य आप लोगों के सामने गलत नहीं आए, ताकि कोई भी परिभाषा, कोई भी तथ्य, कोई भी चीज पीछे नहीं छूटे। दूसरा, समय कम लगे, कम समय में अधिकतम आपको कैसे दे सकते हैं, यह हमारा ध्येय रहेगा। कम से कम रिकॉर्डेड कक्षा, क्योंकि हम डिटेल में हम लोगों को पढ़ना होगा। बिना पीपीटी यदि हम बात करेंगे तो 400-500 वीडियो हो सकते हैं, क्योंकि अधिकतम देना होगा जिस प्रकार के पेपर आ रहे हैं, तो उन वीडियो को कैसे हम कम करें। आप लोगों के पास में कम से कम वीडियो आप लोग कैसे देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि डिजिटल युग है और इस युग में हम कितने वीडियो देख सकते हैं, इस बात को मैं ठीक से समझ रहा हूं। इसलिए कम से कम वीडियो में हम आपको अधिकतम देना चाह रहे हैं कि 1.5 घंटे की कक्षा हम कोशिश करेंगे कि 45-50 मिनट में आपको मिले, ताकि लिखने में जो समय लगता है वो समय नहीं लगे और उसका बेनिफिट आप लोगों को समझाने में लगे या उन चीजों को याद करवाने में लगे। इसलिए पीपीटी के द्वारा आपको अध्ययन करवाया जाएगा, और प्रत्येक कक्षा के बाद में जो पीपीटी की जो पीडीएफ है वो तो आपको मिल जाएगी, लेकिन एक टॉपिक पूरा होने के बाद में आपको अलग से पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसे आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, उसका प्रिंट भी निकाल पाएंगे और अपने रजिस्टर में उनको नोट भी कर पाएंगे। बहुत ठीक से सुनना इस बात को, आपको जो हम पैनल पीडीएफ जो उपलब्ध करवाएंगे पीपीटी की, उसका आपको प्रिंट नहीं निकालना, क्योंकि वो तो 20 पेज की रहेगी। इसी 20 पेज को हम 5-4 पेज में पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करवाएंगे एक टॉपिक पूरा होने के बाद। जैसे प्लेटो पूरा हो गया, जितनी भी चीजें आप लोगों को पढ़ाई उसको जो है पीडीएफ के रूप में आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, उसका प्रिंट भी दे पाएंगे। केवल एक ही टारगेट है, मैं पहले ही कह चुका हूं, स्कूल व्याख्याता। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई बैच हमारे ऐप में आने वाले 1 साल तक के लिए उपलब्ध हम लोग नहीं करवाएंगे। प्रत्येक 2-3 माह में एक सेमिनार करवाने का भी सोच रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं, एक ऑफलाइन सेमिनार हो, ताकि प्रत्यक्ष हम आपसे जुड़े, ठीक से आप लोगों का मार्गदर्शन करें, ताकि एक आत्मिक जुड़ाव एक गुरु और शिष्य में जिस प्रकार का एक एक मार्गदर्शक
के बीच में एक जो संबंध होना चाहिए, एक भावनात्मक जो जुड़ाव होना चाहिए वो उत्पन्न हो सके, और आप भी इस ऑनलाइन दुनिया से बाहर निकलकर 2-3 महीने में एक दिन ऐसा स्थान भी आप लोगों को उपलब्ध बता दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का निचोड़ और सार गर्भित अध्ययन आप लोगों को करवाएंगे। क्या आप एक टॉपिक से संबंधित 10 किताबें पढ़ सकते हैं? नहीं। संभव है क्या? नहीं है। इतना बड़ा कोर्स है, आप कितनी किताबें लाएंगे, कितनी बुक्स लाएंगे? लेकिन उसके लिए हम यह काम आपका करेंगे कि हम जो कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने डेमो कक्षाओं में देखा होगा, एक ही टॉपिक के संदर्भ में जितनी भी महत्वपूर्ण बुक्स हो सकती है, जितने भी उस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स हो सकते हैं, उन सबका अध्ययन करने के बाद में, उन बुक्स का अध्ययन करने के बाद में, उनसे तथ्यों को एकत्रित करके, उनसे कॉन्सेप्ट को एकत्रित करके ये नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, और वो नोट्स आप लोगों को उपलब्ध होंगे जिसका आप प्रिंट भी दे पाएंगे। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। तो आपके मन में एक और प्रश्न उठा, क्या सर हमको कोई बुक्स नहीं पढ़नी है? यह आप लोगों के ऊपर है। आप चाहें तो किसी भी भाग से संबंधित एक एक बुक्स आप ला सकते हैं, उनका पढ़ उनका अध्ययन कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को हम बता देंगे। इसके अलावा प्रत्येक टॉपिक के महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों का हम समावेश करेंगे। प्रत्येक टॉपिक में एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, पिछले जो 4-5 सालों से जो पेपर आ रहे हैं उन पेपर के तथ्यों को, उन प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए फैक्ट को इसमें हम सम्मिलित करेंगे और आप तक इनको पहुंचाने की कोशिश हम करेंगे। ये आपने हमारी डेमो कक्षाएं देखेंगे तो इस बात को आप नोट कर पाएंगे कि किस प्रकार का कंटेंट कितना जबरदस्त आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। देखिए किसी भी चीज को देने का तरीका, समझाने की कोशिश भरपूर हमारी रहेगी और आप डेमो कक्षाएं देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और कंटेंट भी बहुत जबरदस्त रहेगा, इस बात को भी आप नोट कर पाएंगे। और एक और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जिसको मैं स्टार लगा सकता हूं, ये स्टार क्यों लगा रहे हैं, इस कोर्स में आपको कक्षा 11th और कक्षा 12th NCERT और RBSE की 6 किताब, NCERT की 4, 2 11th, 2 12th और RBSE की 1 11th और 1 12th की जो पहले लागू था, इन 6 किताबों का अध्यापन आपको इस कोर्स में करवाया जाएगा। क्योंकि 20-25% जो प्रश्न आ रहे हैं, या मैं यूं कह सकता हूं कि जो 25% से भी अधिक जो प्रश्न सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं कहीं से, तो वो आपकी NCERT और RBSE की किताबें कक्षा 11-12, हम इन 6 किताबों का अध्ययन इसमें आप लोगों को करवाएंगे, जिसमें हमने कक्षा 12 की NCERT की पूरी किताब को 6 वीडियो में समेट कर आप लोगों के लिए इस कोर्स में वो कक्षाएं उपलब्ध भी है। आप जैसे 21 तारीख से इस कोर्स को लेंगे आपको वो कक्षाएं मिल जाएगी। ये सबसे बड़ी विशेषताएं है इस कोर्स की। दूसरी, कठिन विषय को सरल विषय बनाकर आप लोगों को अध्यापन करवाएंगे और हम इस प्रकार से अध्ययन करवाने की कोशिश करेंगे कि विषय में आपकी रुचि उत्पन्न हो, क्योंकि जब तक विषय में रुचि उत्पन्न नहीं होगी तब तक आप ठीक से इसे पढ़ नहीं पाएंगे। रुचि उत्पन्न करना सबसे बड़ी जरूरी बात है, और मैं शिक्षक होने के नाते पिछले 15-16 वर्षों में इस बात को बहुत ठीक से अनुभव किया है कि विद्यार्थी की एक बार रुचि यदि किसी विषय में हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तो फिर वो स्वतः ही उसको पढ़ने लग जाता है। तथ्यों को याद करने का, इसको भी मैं स्टार लगा देता हूं। हमने तैयारी की तो बहुत से फैक्ट को हमने याद किया, आप आसियान की कक्षा देखो आपको पता चल जाएगा। तथ्यों को ट्रिक्स से याद करने के तरीके आप लोगों को बताएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 40% जितने भी एक कक्षा में आपको बातें बता रहे, 40% का क्लासरूम में आपको याद करवा दें। वीडियो देखते समय ही आपको वो चीजें याद हो जाएगी। इस प्रकार से उदाहरणों से, इस प्रकार की चीजों से आप लोगों को जोड़कर इन चीजों को बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब तक परीक्षा है तब तक रिवीजन चलता रहेगा, जब तक आपके एग्जाम होंगे, एक सारथी की भांति, एक मार्गदर्शक की भांति, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मेरे पास अनुभव है, जितनी मुझे जानकारी है, मैं अपना 100% देने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। तो हमारी इस नई मुहिम में जुड़े पूर्ण विश्वास के साथ में, आप लोग जुड़े, जितना विश्वास आप करोगे हमारे ऊपर उसे दुगुनी ताकत, दुगुनी प्रतिबद्धता, दुगुने समर्पण, दुगुने ईमानदारी के साथ हम आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप 9252043821 इस मोबाइल नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम तुरंत आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ऐप कैसे डाउनलोड करना ये आप जानते हैं, ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको कोर्स पे जाना है और उसके बाद में कंटेंट पे जाना, स्टोर पे जाकर इसको आप कोर्स को ले सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत होने पर हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। अभी से जुटें, कल कभी नहीं आता है, आज से ही तैयारी में लग जाएं,
एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है फर्स्ट ग्रेड स्कूल वैक्यता की, आप जानते हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान के 1200 से अधिक पद हो सकते हैं, इवन 1500 से अधिक भी पद हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सी जब से उप प्रधानाचार्य बने हैं उसके बाद से स्कूल में वैक्यताओं के पद रिक्त हैं। सरकार चुनावी वर्ष में इस अवसर को भुनाएगी और बहुत बड़ी भर्ती आप लोगों के लिए आने वाली है। अभी से लगेंगे जो ही सफल होंगे, जो इस बात का इंतजार करेंगे कि कब भर्ती आएगी, आएगी तब तैयारी करेंगे, परीक्षा तिथि घोषित होगी तब तैयारी करेंगे। तो अक्सर हम कहते हैं कि तैयारी नहीं करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। तो उस बात का इंतजार नहीं करें, अभी से लगें, सफलता अवश्य मिलेगी। मैं अक्सर कहता हूं कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। अंत में इन पंक्तियों के माध्यम से आपको पूर्णतः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सफलता की हर मंजिल पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्तों, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।